यह कहानी है मोटू पतलू नाम के दो दोस्तों की। एक बार मोटू पतलू जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। वह दोनों जंगल में काफी मजे करते हैं। जब दोनों थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। दोनों गहरी नींद में चला जाता है और रात हो जाता है। अरे पतलू, जल्दी उठो, रात हो गई है, हमें तो पता ही नहीं चला। मोटू, रात तो बहुत हो गई है, लेकिन हमें तो किसी भी तरह से घर जाना ही होगा। अरे अरे पतलू, पीछे देखो, गुफा के अंदर से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। नहीं मोटू, हम गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, गुफा के अंदर खतरा भी हो सकता है। पतलू, तुम्हें जाना है तो चलो वारना, मैं अकेला ही जा रहा हूं। तभी पतलू भी मोटू के पीछे चला जाता है। अरे पतलू, ये तो कोई चिराग है लगता है, इसके अंदर जिन होगा, अभी निकलता हूं। मोटू चिराग को जोर जोर से घींचता है। तभी उस चिराग में से एक चुड़ैल निकलता है। हेलो, अरे मोटू, ये तो कोई चुड़ैल है, जल्दी यहां से भागो। दोनों भाग तो रहे थे, मगर एक ही जगह पर। मोटू, तुमने मुझे आजाद किया, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम सच में हमारी इच्छा पूरी करोगे? तो मेरे लिए अभी गर्मा गर्म समोसे लेकर आओ। चुड़ैल मोटू के लिए बहुत सारा समोसा लेकर आता है। और मोटू एक एक करके सारा समोसा खा जाता है। चुड़ैल, अब हमारे घर ले चलो। चुड़ैल मोटू पतलू को उनके घर ले आता है। चुड़ैल, अब तुम बाहर रुको, हम सोने जा रहे हैं। ऐसे कैसे सोने जाओगे? तूने तो समोसे खा लिए, मुझे भी इंसान का खून पिलाओ। अरे पतलू, मर गए रे चुड़ैल तो खून मांग रहा है। तभी घर के बाहर से चुड़ैल को इंसान की खुशबू आने लगता है। चुड़ैल घर से बाहर चला जाता है। चुड़ैल को एक इंसान दिखाई देता है, वह उसे मारकर खा जाता है। इधर मोटू पतलू घर के अंदर बहुत ही परेशान होते हैं। काफी देर तक सोचने के बाद पतलू के दिमाग में एक आइडिया आता है। जब चुड़ैल घर में आता है तो पतलू कहता है, अरे मोटू, क्या इतना बड्ढा चुड़ैल इस चिराग के अंदर जा सकता है? अरे नहीं नहीं, इतना बड्ढा चुड़ैल चिराग के अंदर कैसे जा सकता है? तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? मैं चुड़ैल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, मैं चिराग के अंदर आ गया, अब चिराग को घीस कर मुझे बाहर निकालो। अब हम इतने भी बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें दोबारा बाहर निकाले। मोटू पतलू चिराग को एक गड्ढे में डालकर दफना देता है।